नमस्कार। सर्दियों में बगीचे का सीन कुछ अलग होता है, लेकिन सर्दियों से पहले जब मौसम बदल रहा होता है, एक ऑटम जा रहा है और सर्दी आ रही है, उस समय गार्डन का सीन कुछ अलग होता है, क्योंकि हम कुछ तैयारी कर रहे हैं आने वाले सीजन को वेलकम करने के लिए, कुछ पौधे लगा रहे हैं। क्या क्या तैयारियां हो रही है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं बगीचे में। टेरेस गार्डन मैंने टूर आपको कराया था पिछले वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको ले आई हूँ नीचे, तो नीचे के गार्डन की सैर कराती हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान बाग। इस पर्पल फूल का नाम अक्सर आप जानना चाहते हैं, ये थनबर्जिया कहलाता है। बहुत सस्ता पौधा होता है और ये वाइल्डली ग्रो करता है। इसको आप झाड़ी के फॉर्म में भी रख सकते हैं और इसकी बेल भी बना सकते हैं, और साल भर आपको दिखेगा कभी फूल आ रहे हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, तो ऐसे आते जाते रहते हैं। ये है एपिप्रेमनम या मॉन्स्टर अभी कहते हैं, और ये जो वॉल पैनल बनाया था इसमें कुछ परमानेंट प्लांट्स लगाए थे, कुछ सीजनल फ्लावर्स भी लगाए थे, तो ये परमानेंट है। हालांकि ये टैंगल हार्ट थोड़ा सा अभी सर्दियों में डल हो जाता है। ये लालसा की कटिंग चाहिए, लेकिन ये जो दो प्लांट्स हैं पर्सलीन और मॉसरोज, इसको अब हटाना पड़ेगा दोनों पौधों को, और इसमें कुछ दूसरा सीजनल प्लांट लगाऊंगी इस समय। देखती हूँ अब इसमें क्या लगाया जा सकता है जो वॉल पे भी अच्छा लगे। टेंगल हार्ट को मिला करके जेट वगैरह सब परमानेंटली रहते हैं। ये है इनरवी की आर्चेस और नीचे यूका आप दिखाई दे रहे हैं। ये जो पीछे एक वॉल पैनल खाली है, इस पर भी कभी ना कभी एक नया वीडियो आप देखेंगे। अब आते हैं इस कॉर्नर पे, यहाँ भी आगे परमानेंट है लेकिन पीछे कुछ सीजनल चीजें लगाई जाती है। मरंटा के पौधे यहाँ पर अब तक लगे हुए थे, ये मरंटा अब नीचे जड़े रह गई है, ट्यूबर्स रह गए, ऊपर मैंने काट दिया। कुछ मैंने मेरीगोल्ड लगा दिया है अभी तक, चार पांच पौधे। पीछे ये अपने आप नेस्टर्शियम के पौधे निकल आई है, क्योंकि पिछले साल भी यही लगाया था, तो इस साल अपने आप पौधे निकल आते हैं। आगे गेंदा आ गया है, अभी बीच की जगह और खाली है, उसमें भी कुछ लगा दूंगी। ये है कॉडलाइन का पौधा, शेड में रखा हुआ है, चंपा की छांव में रहता है, और यहाँ पे मैंने ये कुछ पौध डाली थी। बिल्कुल डब्बे के ढक्कनों में पौध इस्तेमाल हो जाती है। कुछ निकली है, कुछ कम निकली है, कुछ अच्छी निकली है, अलग अलग फूलों की है, सर्दियों के फूल। तो जब ये निकलेंगे, ट्रांसप्लांट करूंगी, तब जरूर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी कहाँ कहाँ लगाने वाली हूँ। और ये है एंजॉय पोथोस, बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि छाया में है, पेड़ों की छांव में। जो कुछ सूखा दिखता है हर वक्त उसे हटाते जाइए, कभी भी कोई सूखी टहनी पत्ती पौधे पर ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। और ये पीछे दबा हुआ है बेबी टीयर्स। बेबी टीयर्स बहुत खूबसूरत पत्तियां होती हैं, लेकिन कभी भी इसको डायरेक्ट धूप में नहीं रखना चाहिए। जो ह्यूमिड एरियाज हैं वहां पर ये पौधे बहुत अच्छी तरह चलते हैं। एस्पेरेगस और लालसा के बॉर्डर के पीछे ये है एक छोटा सा ट्रे, एक शेलो दही जमाने का जो कंटेनर होता है उसमें ऐसे ही कुछ पौधे लगा करके कुछ क्रिएट किया है। और क्रिसमस ट्री, और यहाँ पर ये एक और अरेंजमेंट है घने जंगल में। ये है हमारे गार्डन के मिस्टर देवू, जो कभी नदी में घूमते हैं, कभी झूले पे झूलते हैं। तो अगर बच्चों ने गार्डनिंग मीट्स स्टोरी टेलिंग के एपिसोड्स नहीं देखे हैं अमलान बाग की, तो प्लीज उन्हें दिखाइएगा, स्टोरी के साथ गार्डनिंग का अलग ही मजा होता है। इसके पीछे देखिए ये गुड़हल के पेड़, जिनमें बहुत बहुत फूल आए थे पूरे अब तक, और मैंने इसको अभी ट्रिमिंग करा दिया है। इस वक्त कटाने से ये होता है कि इसमें नया फुटाव आने लग जाता है, पौधा घना सा हो जाएगा, और जब फूल आने का वक्त होगा उस वक्त तक ये पौधा और घना हो जाएगा। पीछे मैंने जो ये नीम आप देख रहे हैं इसको भी कटवा दिया है। ये इस वक्त सर्दी के पहले कटाना ठीक है, ताकि आपके लॉन में घर में थोड़ी धूप आती रहे, तो लॉन हरा रहेगा अगर धूप आती रहेगी तो, अदरवाइज सर्दियों में अक्सर लॉन पीला पड़ जाता है। ये एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था किस तरीके से टाइल पर भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये सेंसेवेरिया की एक वैरायटी है। ये मेरे स्टैंड्स पर आप देखते रहते हैं अक्सर कुछ अलग अलग पौधे, अलग अलग ट्रेस। एक टाइल के दूसरी तरफ भी ये दूसरी टाइल है जिसपे ये क्रिएटिव गार्डनिंग पीस था। इसका वीडियो आप चाहिए तो देखिएगा। ये डबल क्लांचू का पौधा है, अब सर्दियों में फूल आने लगेगा। और ये है नोलिना पाम, जो नीचे से ऊपर तक जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ये मुझे गिफ्ट में दिया था जीजा ने। और दूसरी तरफ ये मधुमालती ऊपर से नीचे तक आती हुई। यहाँ पे आप ये लेंटाना के पौधे देख रहे हैं, और कई दफा मैं कमेंट में पढ़ती थी लेंटाना वाइल्ड हो जाता है, तो देखिए वाइल्ड भी एक वैरायटी है, और ये आजकल की नई वैरायटी आई हुई है जो ड्वार्फ रहती है। कटिंग से आप इसको जैसे चाहे मेंटेन कर सकते हैं। ये मैंने नए साल्विया के पौध लगा दिया है, ये आगे हेज है और पीछे साल्विया लाल रंग का आ जाएगा जो हेज के ऊपर आएगा। बीच के एरिया में मैं बाद में अभी कुछ और क्रिसेंथेमम या कुछ और देखते हैं कुछ और लगाएंगे। और ये एक दूसरी क्यारी जिसमें डायंथस की पौध मैंने लगा दी है, जो मैं नर्सरी से लाई थी 10-10 रुपए में। ये पौध लगाते ही थोड़े और पत्ते निकल आए हैं, और ये रैंडमली आपको बिखरे हुए दिख रहे हैं। ये जाफरी के पौध है,
जाफरी के बीज ऐसे ही डाल दिए थे मैंने इधर पिछले साल के, तो ये बहुत सारी पौध निकल आई है। तो जाफरी बहुत जगह काम आती है, छोटे छोटे फूल होते हैं, गेंदे के बच्चे लगते हैं एक तरीके से। और जरबेरा के पीछे आप देख रहे हैं पीपल का पेड़, जो कि मैंने बोनसाई के लिए शुरू किया है। जब आपने मुझे सिल्वर बटन दिलाया था तब इस बोनसाई की शुरुआत हुई थी, गोल्डन बटन पे ये आपको तैयार मिलेगी। और ये पीछे है सीताफल का पेड़, बच्चा है अभी। और ये है एक पहाड़ी छोटी सी, जहां हमारे देवू जी का घर आपको दिखाई देता होगा पीछे। इसमें अभी तक मेक्सिकन पिटूनिया उग रहा था, अब उसका टाइम खत्म हो गया, उसको मैंने काट दिया। और अब क्लांचू का टाइम शुरू होगा, तो क्लांचू की कटिंग करके, इसकी प्रूनिंग करके इसको बढ़ाना है। ये ड्वार्फ चांदनी हमेशा यहाँ लगी रहती है, बैम्बू और अशोक इसके पीछे इसको शेड देते हैं। इपिनेटम की भी कुछ पत्तियां अभी आपको पीली होती नजर आएंगी, कोई बात नहीं, इसका सीजन है। नीचे की जो पत्तियां पीली होती हैं उन्हें हटाते जाइए। ऐसा ही ये मॉन्स्टेरा में भी ऐसा ही आपको लगेगा, कुछ कुछ पत्तियां पीली होती जाएंगी। बिल्कुल नेचुरल है, इसका फॉल है, बस इसे हमें संभाल के रीजनेबली पानी देना, न ज्यादा न कम, और ये आराम से चल जाएगा। ये दूसरी तरफ देखिए, नीचे क्लोरोफाइटम के साथ स्वीट पोटैटो वाइन, और इसके बाद में ये है अम्ब्रेला पाम, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पीछे सभी सकलेंट्स खुश हैं। साइड में ये मेरे पास पान, मीठा नीम, बेसिल और मनी प्लांट के पौधे। और दूसरी तरफ ये सिंगोनियम का अभी टाइम है, बहुत अच्छे से खिलेंगे, सिंगोनियम को बहुत अच्छे से संभालिएगा। कोलियस बहुत अच्छे से चलेंगे, जो भी कटिंग से लगाए गए हैं। जीजी प्लांट हेल्दी रहेगा। एंजॉय पोथोस का वही है, जो भी सूखा पत्ता दिखे हटाते जाएं। इस समय ये पीस लिली बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है, नए नए पत्ते आ रहे हैं। छोटे पॉट में इसे मुझे रिपॉट करना पड़ेगा। जब भी आपको दिखता है कोई पौधा अच्छे से ग्रोथ ले रहा है, अगर उसका कंटेनर छोटा लगता है तो रिपॉट कर दीजिए, लेकिन बहुत जल्दी। और ये सीढ़ी के नीचे वाला एरिया, इसका लैंडस्केपिंग आइडिया मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसे देख लीजिएगा अगर उसको देखना चाहे तो। ये एक छोटी सी प्लेट में मैंने लगा रखा है क्लोरोफाइटम और ड्रेसिना, जो कि बिल्कुल इस सीढ़ी के नीचे तब से लेकर अब तक बहुत खुश है। बस यही पौधे थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं, कुछ सीन चेंज लगेगा। फर्न है, पीछे स्नेक प्लांट है, साइड में मनी प्लांट है, और ये थोड़े से मैं रखती हूँ अपनी नर्सरी नीचे की तरफ भी, जो नए नए पौधे होते हैं, गजेनिया के पौधे लगा दिए हैं। और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, ब्रह्म कमल, और ये क्रिसमस कैक्टस, ये दोनों अभी पल बढ़ रहे हैं। किसी ने कटिंग भी दी थी मुझे ये बड़े पान की, इसको लगा दिया है। और छोटा पान मेरे पास ऑलरेडी था, ये देखिए अच्छी सी ग्रोथ ले रहा है, फर्न के साथ पड़ा है। ये फर्न भी मैंने गमले से निकाल के इस पत्थर पे लगा दिया है, जो कि ऐसे ही स्टैंड पे रखा हुआ है, और उस पत्थर पे थोड़ी सी मिट्टी डाल के ये फर्न लगा दिया, बहुत अच्छे से चल रहा है। ये मेरे पीछे जो आप बाहर की तरफ ढेर देख रहे हैं, ये सब इस नीम की और अशोक की पत्तियों का ढेर है। इस सब का कंपोस्ट बनेगा, इसीलिए इसको सुखाने के लिए रखा है। थोड़ा सा जब ये सूख करके दब जाएगा तब इसको किसी खाद के कंटेनर में डाल करके इसकी खाद बनाने लग जाएंगे। गमलों के नीचे सूखे पत्तों की जरूरत होती है, उसके लिए इसे भर के रख लेंगे, तो एक भी पत्ता वेस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो अब ये काम बढ़ गया है इसकी खाद बनाने का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये नीम का पेड़ बिल्कुल खाली हो चुका है। इसको इतना हम काट देते हैं, एक हिस्सा आप हरा देख रहे हैं वो इसलिए छूट गया क्योंकि इसकी टहनियां तारों में आ रही थी, तो इलेक्ट्रिक वायर में आने की वजह से इसको छोड़ा है। अब अच्छे से धूप सब जगह आएगी नीचे, तो पेड़ों को अच्छी धूप मिलेगी, सर्दियों में धूप की जरूरत होती है। अब इस ढेर के बीच ये हरसिंगार फूल बहुत आ चुके, इसके फूल आने के बाद देखिए बस ये थोड़ा सा इसके पीछे का हिस्सा रह जाता है, और अब फूल थोड़ा नहीं आएगा। ये कचनार का पौधा, ये भी काफी बड़ा हो गया है, नीम कटा हुआ है, पीछे एलोवेरा और एक झांकता हुआ लाल बोगनविला का फूल भी आपको दिखाई दे रहा है। ये है आज का सीन, लेकिन 2-3 महीने बाद सीन बिल्कुल फर्क होगा, उस पर फिर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। ब्लूमिंग विंटर गार्डन ऑफ अमलान बाग, देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो विंटर गार्डन की तैयारी कर सके, और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।